हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप कार्डिगन, जैकेट, स्टॉल, स्कार्फ, बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक्स किसी पर भी डाल सकते हैं और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ऐसे लगता है जैसे हमने क्रोशिए पे बनाया हुआ है और ये दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसके लिए आपको मल्टीपल ऑफ 9 के हिसाब से फंदे लेने हैं और प्लस 2 एक्स्ट्रा फंदे एड ऑन कर लेने हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 20 फंदे लिए हैं और पहली सिलाई हम सीधी बुनाई करेंगे और ये हमारी राइट साइड है। पहला फंदा आप स्किप कर लें और ये सारी सिलाई हम सीधी बुनाई करेंगे। हमारी रो 2 है, रॉन्ग साइड। इसमें हमने पहला फंदा उतार लेना है। अब दो फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे, एक दो। धागा हमारा अपनी तरफ ही रहेगा, सिलाई पे ऐसे बल दे के एक फंदा बुनाई किया, फिर से सिलाई पे हमने धागे को बल देना है, दो, सिलाई पे बल देकर धागे को तीन, सिलाई पे बल दिया चार, फिर हमने सिलाई पे धागे को घुमाया पांच, फिर हमने सिलाई पे ऐसे धागे को बल दिया छः। ये ऐसे हमने 6 फंदे बुनाई किए। अब हम 3 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, एक सिंपल, दो और तीन। फिर से हमने वही स्टेप रिपीट करना, सिलाई पे ऐसे बल देके 6 फंदे हम बुनाई करेंगे, एक, फिर से सिलाई पे बल दिया, दो, सिलाई पर धागे को घुमाया तीन, सिलाई पे बल दिया चार, पांच और 6। आखिर के दो फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। अब ये हमारी रो 3 है, राइट साइड। इसमें हमने पहला फंदा आप स्किप कर लें, दूसरा फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब ये ध्यान से देखिए, ये हमने ऐसे ये बल दिए हुए धागे ऐसे दिखाई देंगे ये वाले, तो हमने पहले वाले फंदे को ऐसे खोल लेना, एक दो, तीन, चार, पांच और ये 6। ये 6 फंदे हमने खोल लिए और ये 6 फंदे हमने इस सिलाई पे ले लेने हैं और धागा हमने अपनी तरफ कर लेना। अब एक दो तीन चार पाँच छः और जो ये 7वां फंदा है वो भी हमने साथ में ले लेना और इसको ऐसे पीछे की तरफ से हमने बुनाई करना है और ये हमारी ऐसे जाली डल जाएगी एक, और इसको हमने ऐसे बुनाई किया। ये देखिए यहाँ पर हमारी एक जाली बन गई। फिर हमने धागा अपनी तरफ करना है और दो फंदे हम ऐसे सीधे बुनाई करेंगे, तो ये हमारी एक जाली यहाँ पर बन गई। ये हमारी एक जाली यहाँ बनी, एक सीधा फंदा, ये जाली बन गई। अब हम दो फंदे, ये देखिए हमने ये दो फंदे सीधे बुनाई कर दिए। फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है। अब 6 फंदे हमने खोलने हैं, एक दो तीन चार पांच और ये 6।
ये छह फंदों को हमने ऐसे इस सलाई पे ले लेना है और हमने ये सातवां फंदा भी ऐसे लेना है और इसको ऐसे पीछे से करके अब ऐसे बल दे के हमने इसको बुनाई करना है। फिर यहाँ पर हमारी एक जाली पड़ गई, धागा हमने अपनी तरफ करना है और दो फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे। अब ये हमारी रो फोर है रॉन्ग साइड, इसमें हमने पहला फंदा आप उतार लें, एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया। इस फंदे को हमने तीन बार बुनाई करना, तो पहले हमने धागा पीछे किया एक सीधा, इस फंदे को हमने उतारना नहीं है, धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा, फिर धागा पीछे किया एक सीधा, अब इस फंदे को हमने उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा। अब ये फिर से हमारी जाली आ गई, धागा पीछे किया, इस फंदे को भी हमने तीन बार बुनाई करना है, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया एक उल्टा, फिर धागा पीछे किया एक सीधा। ये हमारा अब ये सात फंदे कंप्लीट हो गए। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, हमने ये दो फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, एक दो, फिर हमारी जाली आ गई, धागा पीछे करें एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और फिर हमने एक फंदा सीधा बुनाई करके इस फंदे को निकाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करें एक फंदा उल्टा बुनाई करें, फिर जाली आ गई, धागा पीछे करें एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक सीधा, आखिर के दो फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। ये देखिए ये चार सलाइयों का पैटर्न है। चार सलाइयों बाद हमने फिर से इसको वैसे ही रिपीट करना है जैसे हमने पहली सलाई बनाई थी, पहली सलाई हमने सारी सीधी बुनाई की थी। ऐसे इस खूबसूरत पैटर्न को आप रिपीट करते जाएं और ये खूबसूरत पैटर्न बनता जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।